नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज है गणपति बप्पा के विसर्जन का आखिरी दिन और मैं आया हूँ अभी विसर्जन देखने के लिए दादर चौपाटी पे। मैं अभी जा रहा हूँ दादर चौपाटी। वैसे मैं सुन रहा हूँ कि दादर चौपाटी पे जिसके पास गणपति है उनको जाने के लिए अलाउड है और बाकी विजिटर्स को पार्टी पर जाने नहीं दे रहे, लेकिन मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी अपने ऑफिस से। आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है और लगता है गणपति बप्पा को आज जाने का मन नहीं है, इसके लिए कहीं गणपति ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, अपने अपने गणपति बप्पा को लेके आ गए यहाँ पे विसर्जन करने के लिए और हम भी चलते हैं उनके साथ गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए। बड़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पे है जो बहुत ही अंदर लेके जाते हैं और छोटी मूर्तियों को किनारे पे ही मतलब थोड़ा सा ही आगे विसर्जन कर देते हैं। पानी ज़्यादा डीप नहीं है, इसके लिए गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अंदर लेके जाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे लोग धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे सामने अभी सनसेट दिख रहा होगा, सनसेट हो रहा है, तो मेरे बैकग्राउंड में अगर मैं आपको दिखाऊं ठीक से तो नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पीछे सूरज और हो रहा है सनसेट। मैं अपना लाइट डिक्रीज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का। लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो, शेयर भी कर दो। क्या जाते हैं यार, फ्री का तो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अरे तुम्हाला सनबर्न आवडता अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।